हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने प्रदीप जी खड़े हैं और प्रदीप जी के साथ वीडियो कॉल स्कैम हुआ है। इनका वीडियो बना करके वायरल करने की धमकी दे रही है और पैसा की डिमांड किया जा रहा है। ना जाने आप लोग में से कितने लोग फंसे होंगे इस स्कैम के चक्कर में, और काफी लोग इस स्कैम को नहीं जानते होंगे। तो आज रूबरू करवाता हूँ वीडियो कॉल स्कैम होता क्या है और वीडियो कॉल स्कैम में लोगों को फंसाता कैसे है। तो आइए प्रदीप जी के साथ थोड़ा कैमरा फोकस कीजिएगा और बताइएगा प्रदीप जी की आपके साथ कैसे वीडियो कॉल स्कैम हुआ है। फर्स्ट बार आपसे कहाँ कॉन्टेक्ट हुई? फेसबुक में कैसे कांटेक्ट हुआ, क्या हुआ आपके साथ? फ्रेंड भेजा था। किस नाम से फ्रेंड आया था? फ्रेंड नंदनी कुमारी। तो देखिए कि नंदनी कुमारी जी के फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है इनके फेसबुक अकाउंट पे। काफी लोग ऐसे होंगे कि फेसबुक चलाते होंगे, आज के समय में कौन नहीं फेसबुक चलाता है, सारे लोग फेसबुक चलाता है, और ना जाने फेसबुक के अंदर कितने फेक आईडी भरा पड़ा है। बहुत सारे ऐसे आईडी है जो कि लड़की का फोटो लगा करके, लड़की का नाम यूज करके फेक आईडी बनाया गया है, और वो फेक आईडी को यूज करके लड़के लोग को फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं। जस्ट ऐसा ही हुआ आपके साथ प्रदीप जी? यस सर। तो आपके साथ जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आया तो क्या किए, उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर लिए? यस सर। यानी कि ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि दोस्ती कबूल करते हैं, ये दोस्त अपना बना लेते हैं। आगे का मामला अपने बताइएगा। फेसबुक में हुआ था, 3-4 दिन बात हुआ, ठीक है, उसके बाद वो हमको बोला अपना तुम व्हाट्सएप नंबर दो। 3-4 दिन बातें करके आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो फेक लड़की है, कहीं वो गलत लड़की है? बिल्कुल भी कहीं आपको शक नहीं दिखा? कहीं नहीं। तो आप क्या किए, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आप दे दिए। व्हाट्सएप नंबर आपसे भी कई लोग लड़की लोग मांगी होगी, आपको लगा होगा कि रियल लड़की है, हमसे फ्रेंडशिप हो गया है, और व्हाट्सएप नंबर हम अपना इसको दे देते हैं। तो जस्ट ऐसा ही हुआ है प्रदीप जी के साथ, ये अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिए, और व्हाट्सएप नंबर देने के बाद इनके साथ क्या हुआ आप बताइएगा जरा। व्हाट्सएप में मेरा 3-4 दिन बात हुआ। व्हाट्सएप में 3-4 दिन बात हुआ, जरा बात को बताइएगा क्या बातें हुआ उस व्हाट्सएप में? कुछ ना, हाँ भाई मतलब करके दोस्त बना। अच्छा, दोस्त से धीरे धीरे फिर आ गया प्यार में आ गया। आप प्यार कर बैठे हैं ऑनलाइन? यस। काफी लोग प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, ऑनलाइन प्यार कर बैठते हैं और फेसबुक से मिली लड़की से प्यार कर बैठते हैं। आप लोग को बता दूं, फेसबुक में जो लड़की का फोटो होता है वो हीरोइन होती है, और हीरोइन के अंदर में ना जाने हावड़ा पुल आपको मिलता है। आइए हावड़ा पुल से मिलाते हैं आपको। प्रदीप जी बताइएगा कि व्हाट्सएप में उसके बाद बातचीत होने के बाद क्या हुआ आपके साथ? एक दिन हमको कॉल किया। हाँ, वो बोला बाथरूम में जाओ। तो क्या आप बाथरूम में चले गए? नहीं, हम बोले मेरा घर में बाथरूम नहीं है। प्रदीप जी के घर में बाथरूम नहीं है, और आगे? हाँ सर, वो बोला फिर जा तुम अपना रूम में जाओ। अच्छा, रूम में जाओ। तो बताइए, प्रदीप जी के घर में बाथरूम नहीं है तो ये रूम का इस्तेमाल किए? ना जाने कितनों के घर में बाथरूम होंगे, तो बाथरूम को भी यूज करते होंगे, और काफी लोग के साथ ये वीडियो कॉल स्कैम हो गया है, तभी इस वीडियो के ऊपर आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो वीडियो को नहीं जानते हैं वीडियो कॉल स्कैम क्या है, और वही वीडियो को देख रहे हैं। तो इस वीडियो को देख के आपको सावधान हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। तो आप अपने रूम का इस्तेमाल किया? हाँ, रूम में इस्तेमाल किया। तो ये रूम में आपने क्या किया? रूम में जाने के बाद बात हुआ। बात को जरा बताइएगा, आप छिपाइएगा तो हमारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को पता नहीं चलेगा, और ना जाने कौन कौन सी गलती कर बैठेगा। वो बात करते करते वो बोला का अपना कपड़ा उतारने बोला, और आपने क्या किया, कपड़ा को पूरा उतार दिया। मामला यहाँ खत्म नहीं होता है, मामला अभी बहुत आगे तक लेके जाएगा, पूरा वीडियो में बने रहिएगा। आपको मैं बता दूं, एके मॉर्निंग चैनल होने वाली धोखाधड़ी फ्रॉड से बचाया जाता है, लोगों के साथ कितना लोगों के साथ ठगी हुआ है उससे पहले अवेयर कर देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी, और लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो हमको ये बताइए कि जब आपके साथ वीडियो कॉल में बातें हुआ, पूरा कपड़े आपको पूरा ओपन कर दिया क्या आपको? नहीं, पूरा नहीं हुआ था। कितना ओपन हुए थे आप, जरा करके दिखाइएगा? आधा हुए थे। करके दिखाइएगा? करके नहीं दिखा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, करके नहीं दिखाना है क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। आप हमको ये बताइए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस उसका एक दिन का बाद वो हमको कॉल किया। हाँ, कॉल करने के बाद बोलता है वो वीडियो भेज रहा है, वीडियो तुम देखो। अच्छा, वीडियो भेजा आपको? हाँ, दिखाइए मोबाइल वीडियो, दिखाइए मोबाइल में वीडियो है अभी? हाँ है। चलिए, उसके बाद आपके पास वीडियो आ गया, थोड़ा मोबाइल का लॉक खोलिएगा। लॉक खुल गया, ओपन ही है। चलो, उसके बाद वीडियो आपको भेज दिया। व्हाट्सएप खोलिए, वीडियो कहाँ है दिखाइए, ये वीडियो है। तो दोस्तों देखिए कि आपसे ना जाने अनजान लड़की आपके फेसबुक में फ्रेंड बन करके व्हाट्सएप नंबर मांगने के बाद आपको डायरेक्ट फेसबुक से डायरेक्ट आती है व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि फेसबुक पे
व्हाट वीडियो कॉल रिकॉर्ड तो होता है लेकिन उसको सहारा नहीं बनाती है और ना जाने बनाती भी होगी, लेकिन व्हाट्सएप नंबर लेने के क्या होता है कि लोग डर जाते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर उसके पास है। उसके बाद क्या हुआ, जब आपके पास वीडियो, ये वीडियो आ गया, जरा वीडियो दिखाइएगा, नहीं वीडियो कमेटी गाइडलाइन के खिलाफ है। मैं आपको बता दूं, यदि इस तरह का वीडियो आपका भी बना होगा तो आप बिल्कुल भी मत डरिएगा, क्योंकि यूट्यूब के अंदर ऐसी कोई वीडियो अपलोड नहीं होती है, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। ऐसी वीडियो में यदि वीडियो को दिखाता हूं आप लोग को तो क्या होगा कि हमारे चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ सकता है और वायलेशन में फैला रहा हूं, यानी गंदगी यूट्यूब के अंदर फैला रहा हूं, तो ये दिक्कत आ सकती है। तो मैं ये वीडियो को गुप्त रखता हूं क्योंकि ये वीडियो इनका पर्सनल वीडियो है। तो मोबाइल को आप रखिएगा और बताइएगा उसके बाद वीडियो भेजने के बाद क्या डिमांड करती है वो। फिर वो हमको कॉल किए, अच्छा वो हमको बोलता है 10,000 रुपए पैसा दो नहीं तो तेरा वीडियो हम वायरल कर देंगे। देखिए ये मामला शुरू अब यहाँ से होता है, जब आपका वीडियो बन जाता है ना, तो वीडियो बनने के बाद आपके भेजने के बाद वो पैसे की डिमांड करती है, किसी से 10,000 किसी से 15,000, बड़े बड़े लोग देखते हैं फोटो तस्वीर देखने के बाद 40-50 हजार तक का भी डिमांड होता है मेरे भाई। और ये आप लोग को रियल है, आप लोग जरूर देखे होंगे कि पैसे की डिमांड होती है ब्लैकमेल करने के लिए। ये भाई को ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये भाई को बचाना मेरा काम है। और आप लोग में से किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो मुझे इंस्टाग्राम में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आके फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, अपना कंसल्ट बताइए, मैं आपके साथ हूँ, खड़ा हूँ। अच्छा एक बात बताइए कि 10,000 की आपसे डिमांड कर दी, वो 10,000 की डिमांड करने में वो पैसा आप उसे पेमेंट कर दिए क्या? ना हम उसको बोले मेरा पास 10,000 रुपया ना है, अच्छा हम अभी पढ़ने वाला बच्चा, काम करने वाला ना है, अच्छा से हम कहीं से 5,000 जोगाड़ किए, 5,000 मारे भेज दिए क्या? हाँ 5,000 हम भेज दिए। तो भाई ने 5,000 भेज दिए हैं, काफी लोग पैसे भेज रहे हैं, काफी लोग पैसे भेज दिए हैं, कोई 1,000 कोई 200 500 1,000 2,000 ऐसे करके पैसे भेजे हैं, मुझे मालूम है काफी लोग स्क्रीनशॉट भेजे हैं हमें। तो पैसा आपको नहीं भेजना है, यदि आप पैसे भेजते हो 1,500 भी भेजते हो तो होता क्या है आपके साथ कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, स्कैम के चक्कर में आ रहे हो। तो स्कैम कुछ इस प्रकार होगा कि आप एक बार पैसे दिए वो बंदा समझ जाएगा कि ये पैसा दे रहा है ये बंदा। तो दोस्तों आप लोगों को पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है, पैसा देते हैं तो महा बुड़बकाली है, और आप ऐसे चक्कर में आप पड़ रहे हो तो जरूर कानून का सहारा लेना चाहिए, अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है ऐसे कंडीशन में अपने माता पिता को, भाई को लोग नहीं बताते हैं। क्या आप अपने भाई को माता पिता को बताए हैं इस पर? नहीं, क्या बताऊं यार, ये सब मामला को सुनकर के ना दिल दहल जाता है, खोल जाता है। लेकिन बात जो है ना, मामला बहुत गंभीर है और मैं इस बात को कहने के लिए बार बार विलंब कर रहा हूं कि आप लोग पेमेंट मत दीजिएगा। पेमेंट देते हैं तो आप फंस जाओगे और बुरी तरह से फंस जाओगे। तो हम आप हमको ये बताइए, क्या अभी भी एक वीडियो आपका मेरे चैनल पर पहले भी आया था? मैंने आपके पास गया था, फिर मैं आपके पास आया हूँ इसलिए क्योंकि अभी भी आपको परेशान किया जा रहा है। yes. तो आप लोग कहीं, आप लोग में से कोई ऐसे लोग होंगे कि जिसका वीडियो एक महीना पहले बना हुआ है, जिसका पहले दो महीना पहले बना हुआ है, तो उन लोग भी डर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उन लोग कह रहे होंगे कि मेरा वीडियो अभी भी वायरल करेगा क्या सर? तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि वीडियो आप लोग का तो बना के रख लिया है लेकिन वो वायरल नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, वायरल कहाँ पे होगा? कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड बने हैं फेसबुक में, तो फेसबुक वाले को भेज सकते हैं, फेसबुक अकाउंट को अपना डीएक्टिवेट कर दीजिएगा। और आपसे प्रदीप जी मिलके अच्छा लगा, जो आप हमारे कैमरा के सामने आकर के इतना सारा बात रखे हैं, क्योंकि कैमरे के सामने ये आना नहीं चाह रहे थे, और जब तक आप कैमरे के सामने आते नहीं तो सारा बात रूबरू नहीं होता और हमारे पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता। तो बिल्कुल भी दोस्तों ऐसी वीडियो कोई अपलोड नहीं होती है, ना फेसबुक के अंदर, ना इंस्टाग्राम के ऊपर, ना यूट्यूब के अंदर, डायरेक्ट वो फ्रेंडली मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंडली मैसेज से बचने के लिए अपना व्हाट्सएप अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दीजिए, जितने भी कॉल्स आ रहे हैं सारे कॉल्स को ब्लॉक कर दीजिए, बस इसी में आपकी छुटकारा है। और पेमेंट करते हो तो फंस जाओगे भाई। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था, आप लोग को अवेयर करना और जागरूकता फैलाना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिएगा और सतर्क रहिएगा।